Uh, कई बार आप पे आरोप लगे हैं कि आप आपका जो मॉडल है चुनाव जीतने का वो ये है कि फ्री बिजली फ्री पानी यू आर समबडी हु अंडरस्टैंड नंबर्स आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे हैं नंबर्स आपको पता हैं टैक्स कलेक्शन कैसे होती है टैक्स की रिक्वायरमेंट किन चीज़ों के लिए होती है क्या ये फ्री के uh, जो पॉपुलिस्ट uh, uh, बांटने की इलेक्शंस के दौरान जो ये एक आदत सी पॉलिटिकल पार्टीज में बन गई है क्या ये लॉन्ग टर्म सस, सस्टेनेबल है क्या ये गुड पॉलिटिक्स है बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है सबको करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ क्यों इसकी इकोनॉमिक्स भी समझाता हूँ आपको और इसकी पॉलिटिक्स भी समझाता हूँ आपको सबसे पहली बेसिक बात इन सारे मंत्रियों को और इन सारे एम को बिजली फ्री मिलती है इनको जब बिजली फ्री मिलती है तो उसको फ्री भी नहीं बोलते और जब जनता को इनको चार चार हज़ार यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की और मैं जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देता हूं तो इनको सबको तकलीफ़ होती है क्यों अगर इन मंत्रियों को जो फैसिलिटी मिलती है मैं अपनी जनता को देना चाहता हूं तो इनको क्यों तकलीफ़ होती है इन सारे मंत्रियों को और एम और एम का सारा इलाज का खर्चा फ्री है कोई बीमार हो जाए इनके घर का सारा फ्री है तो अगर मैंने अपने दिल्ली के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो इनको क्यों तकलीफ होती है जो जो चीजें इन मंत्रियों को और इन संत्रियों को मिलती है मैं अपने लोगों को देना चाहता हूँ सबको चाहिए MLS को, MLS को भी मिलती है। दूसरी चीज अगर मैं एक समय था जब मैंने सुना था कि राजनीति के अंदर एक समय था जब फ्री बांटते थे और फ्री बांटने का पैसा कहाँ से आता था सरकार लोन लेती थी और लोन लेके उस पैसे से फ्री बांटते थे दैट इज़ नॉट गुड इकोनॉमिक्स अगर मैं आपके पास जो पैसा है उस पैसे से उस मैं आपके टैक्स नहीं बढ़ा रहा टैक्स उतना ही है मैं घाटे में नहीं आज दिल्ली सरकार पूरे देश में अकेली सरकार है जो फायदे में चल रही है घाटे में नहीं चल रही है. सी की रिपोर्ट है 2019 की उस रिपोर्ट में लिखा है हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली में दिल्ली सरकार घाटे में चलती थी हमारी सरकार बनने से तब से ले आज तक दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश के अंदर जो फ़ायदे में चल रही है मैं सरकार फ़ायदे में चला रहा हूँ मैं कोई नया टैक्स नहीं लगा रहा मैं कोई लोन नहीं ले रहा अगर मैंने करप्शन ख़त्म करके पैसा बचा के लोगों को अगर सुविधाएं दे दी तो क्या बुरी बात की तो दिस इज गुड इकोनॉमिक्स और तीसरी चीज पर ये ये छोटा सा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं जैसे ये फ्री दवाइयों वाला कैसे सिलसिला चालू हुआ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हमने एक फ्लाई ओवर बनवाया उस फ्लाई ओवर की सवा तीन सौ करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो शायद दो सौ ढाई सौ करोड़ रुपए में बन गया तो सवा सौ डेढ़ सौ करोड़ रुपए उसमें बच गए कैबिनेट मीटिंग चल रही थी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो पता चला कि ये सवा सौ डेढ़ सौ करोड़ रुपए बच गए सो so, मैंने उनसे पूछा हेल्थ मिनिस्टर से मैंने कहा मान लो हम दिल्ली के लोगों की सारी दवाइयाँ फ्री करना चाहें uh, हम ये डिस्कस कर रहे थे इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करें तो so, मैंने कहा अगर हम सबका इलाज फ्री करना चाहें तो कितना खर्चा आएगा so, two, days, me, सो आफ़्टर टू थ्री डेज़ दे गॉट बैक टू मी दे सर तीन सौ साढ़े तीन सौ करोड़ सो so, मैंने कहा ठीक है इतना तो हम फ्लाई ओवर बनाने में ही बचा लेंगे इतना का पैसा तो अगर मैंने फ्लाई ओवर बचा बचा के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो क्या बुराई है मैंने सुना था कि एक मुख्यमंत्री हैं शायद गुजरात के उन्होंने अपने लिए एक जहाज खरीदा एक 190 करोड़ रुपए का मैंने लिए अपने जहाज नहीं खरीदा मैंने दिल्ली की सारी अपनी माँ बहनों का डीटीसी बसों में किराया मुफ्त कर दिया डेढ़ सौ करोड़ का खर्चा आया बताओ क्या बुराई है